और दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एसी बाइंग गाइड 2023। ऑब्वियसली आप वो टाइटल देख रही है, आपने क्लिक किया होगा इस वीडियो को देखने के लिए। तो एसी बाइंग गाइड में क्या कुछ आपको देखना है एसी लेते समय, और कौन सा एसी अच्छा है, कौन से ब्रांड का अच्छा रहेगा, एंड 2023 में क्या कुछ नया चीज़ देखने को मिल रहा है एसी लेते वक्त, तो ये सारा चीज़ जानेंगे। एंड इसके साथ ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन, पावर एफिशिएंसी और जो रेटिंग्स दिखाए जाते हैं वो क्या सही में सही रेटिंग है, या फिर आपको देखना है वो रेटिंग के हिसाब से आपको एसी लेना है, कौन सा ब्रांड लेना है, सारा चीज़ मैं इस वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना ना भूले, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर सब्सक्राइब करके इस चैनल पर बने रहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा एसी आपको लेना है। पहला चीज़ आपको जाना है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो या फिर एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के बारे में, पावर कंजम्पशन, क्योंकि एसी है तो बहुत सारा पावर कंज्यूम कर लेगा, करंट बिल इतना आएगा, तो ऐसे सोचते हैं ना ऑब्वियसली। तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो करके ISEER रेटिंग आता है, जो कि BER स्टार लेवल द्वारा किया गया है। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ये लोग क्या करते हैं, इंडियन सीजन के अकॉर्डिंग, मतलब कि यहाँ पर कितना कूलिंग करने के लिए कितना लोड ले रहा है एसी डिवाइडेड बाई उसके लिए कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, तो इसका जो भाग करेंगे ना तो वहां पर आपको ISEER रेटिंग मिल जाएगा। वो कैलकुलेट करते हैं BTU पर आवर के हिसाब से, तो टेक्निकल ज्यादा नहीं जानेंगे हम। तो यहाँ पर आपको ISEER रेटिंग यूजुअली 4.3, 3.5, तो कितना एनर्जी एफिशिएंट है उतना ज्यादा नंबर रहेगा। लेकिन क्या ये आपको नंबर देखकर ही खरीदी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको क्या करना है, एसी देख रहे हैं ना, तो एक तो देखिए अपना बजट सबसे पहले। तो बजट डिसाइड करने के बाद 3-स्टार इन्वर्टर एसी मिल रहा है या फिर 5-स्टार इन्वर्टर एसी मिल रहा है उतने बजट में, वही एक देखना है बस आपको। तो इसके बाद जानेंगे कि कितने टन का एसी आपको खरीदी करना है। ओके, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 1 पॉइंट कई सारे 0.8 टन बनाते हैं, 1.2 टन बनाते हैं। तो जनरली क्या है, बेसिक रूल अराउंड 150-160 अप टू 180 स्क्वायर फीट तक है तो भी 1 टन एसी चलेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर 150 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है आपका रूम तो आप क्या करें, 1.5 टन अगर आपका बजट है तो डेफिनेटली 1.5 टन का एसी ले लीजिएगा। कूलिंग इंस्टेंट होगा ना, तो इससे पावर एफिशिएंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि पावर ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा एसी, क्योंकि जल्द ही जल्द रूम को कूल कर दिया है एसी ने, तो इसके लिए करंट ज़्यादा नहीं लेगा। तो एक स्मार्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, वैसे भी आप कर सकते हैं अगर बजट है तो, या फिर नहीं है तो डेफिनेटली 1 टन 3-स्टार या फिर 5-स्टार इन्वर्टर एसी ले सकते हैं। 150-180 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है रूम तो डेफिनेटली 1.5 टन, एंड 220-250 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली 2 टन पर आपको इन्वेस्ट करना है। ओके, टन के बारे में हमने जान लिया है। नेक्स्ट चीज़ है क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है 2023 में एसीज में। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे ब्रांड, कोई भी ब्रांड लीजिए आप मार्केट में, तो सारे ब्रांड ये जो 7-in-1 कन्वर्टेबल, 4-in-1 कन्वर्टेबल, 5-in-1 कन्वर्टेबल एसीज बिक रहा है, तो इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है, 20% कैपेसिटी, एक बटन टच कर दीजिए आपको 30% कैपेसिटी कूलिंग मिलेगा, फिर से बटन प्रेस कीजिए आपको 40% कूलिंग मिलेगा। तो बेसिकली वही 7-in-1 कन्वर्टेबल ऐसा है, तो एक गिमिक फीचर मैं समझता हूँ। बाकी जो पुराने एसीज थे, मतलब कि लाइक 4-year, 5-year ओल्ड का एसी है, उसमें भी ये सारा चीज़ था फंक्शनिंग, बस एक रिमोट नहीं दिया गया था और प्रोग्रामिंग नहीं किया गया था कि 10-20-30-40% कूलिंग आपको मिले। जैसे नंबर आप टेम्परेचर रखते हैं उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली कूल कर देता था। तो ये नया फीचर आपको 2023 में देखने को मिल रहा है, इससे कुछ चेंज होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ है 110 कैपेसिटी, 120 कैपेसिटी, 117 कैपेसिटी का कुछ एसीस दे रहे हैं एक्चुअली, वो भी एक मार्केटिंग टर्म ही है, पहले भी ऐसा ही था लेकिन अभी वो मार्केटिंग टर्म यूज़ करके आपको बेच रहे हैं नया एसी। तो कुछ ना कुछ नया लेकर आना चाहिए ना एसी कंपनीज के लिए, तो वैसे कर रहे हैं। ओके, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या देखना है फिर, ये सारा चीज़ जो है वो गिमिक है अगर, तो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, एक तो आपको स्लीप मोड होना चाहिए, क्वाइट मोड होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डीह्यूमिडिफिकेशन फीचर होना चाहिए आपके एसी में, वो ज़रूर देखिएगा। डीह्यूमिडिफिकेशन बेसिकली बिना एसी को ऑन किए, मतलब बिना कंप्रेसर ऑन किए, तो ये जो भी आपके रूम में ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी जो भी पसीना छूटता है ना, बहुत सारा यूजुअली कोस्टल एरियाज में वैसे बहुत होता है, तो उसका जो है वो हटा देता है रूम से, तो वो बहुत ही यूजफुल फीचर मैं समझता हूँ ह्यूमिडिफिकेशन फीचर, तो वो वाला जरूर देखिए अपने एसी में है कि नहीं। एंड तीसरा चीज है ये जो फिल्टर करके बताते हैं ना, HT फिल्टर, पोलन फिल्टर है। ओके, इसमें आपको देखना है PM, मतलब पार्टिकुलेट मैटर कितना ये कवर कर रहा है फिल्टर,
2.5, 0.1, पैनासोनिक एसी तो आपको 0.1 तक कवर कर लेगा, मतलब कि इतने छोटे छोटे बैक्टीरिया जो भी पार्टिकल्स एयर पार्टिकल्स में होते हैं तो उसको भी खींच लेगा वो। तो वैसे डिटेल में लाइक HD फिल्टर करके कहते हैं ना, तो वैसे में आपको PM 0.5 तो बहुत बढ़िया है, PM 2.5 तो स्टैंडर्ड सारे एसी में आपको मिल ही जाते हैं। तो वो एक चीज़ आपको देखना है, ऐसा नहीं कि कोई एसी में फ़िल्टर ही नहीं है, सारे एसी से आपको फ़िल्टर दे देंगे, वही फ़िल्टर रहेगा, बस क्या है कि उसका जो मैश रहता है ना थोड़ा बारीकी से बनाए होंगे या फिर थोड़ा मोटा होगा, दैट्स इट। तो वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके बाद दोस्तों ब्रांड, कौन सा ब्रांड लेना है, कैरियर है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, पैनासोनिक है, LG है, सैमसंग है, लॉयड एसिस है, हायर एसिस है, अकाई ब्रांड है, तो कितने सारे ब्रांड्स हैं ना मार्केट में। तो एक्चुअली कॉम्पिटिशन वेरी हेल्दी होता है, ढेर सारे ब्रांड्स है तो आपको चॉइस करने में मिलता है कि ये लूँ या इसमें ऑफर ज़्यादा दे रहे हैं, इसमें फीचर्स ज़्यादा दे रहे हैं, पावर एफिशिएंसी बहुत ही अच्छा है इस एसी का, तो ये सारा चीज़ देखने को मिलता है। मैं एक बताता हूँ आपको कि सारे के सारे एसी प्रीटी मच आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, कोई भी ब्रांड लीजिएगा आप। आप क्या कीजिए, अपने बजट सेट कीजिए पहले, उसके बाद आपको देखना है कि आपके लोकेशन में कौन सा सर्विस सेंटर अच्छा है, कौन से ब्रांड का सर्विस सेंटर अच्छा है। मान लीजिए अगर आपके लोकेशन में ब्लू स्टार एसीज का जो सर्विस है वो लोकेटेड वहीं पर है, ना कि दूसरे गाँव से आ रहा है सर्विस देने के लिए, वैसे नहीं रहना चाहिए, वहीं पर लोकेटेड है और अच्छा देते हैं सर्विस, तो डेफिनेटली आप ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर्विस कितना दे रहा है, क्योंकि यूजुअली जो है PCB पर 5 ईयर्स वारंटी मिल जाता है, 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर आपको मिल ही जाता है वारंटी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो क्या देते हैं, लाइक पार्ट रिप्लेस करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल है, स्टॉक है, या पार्ट रिप्लेस जल्द से जल्द करते हैं, नहीं करते हैं, अटेंड होते हैं अगर आपके एसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है 3-4 साल में तो इंस्टेंट अटेंड होते हैं, कितना पैसा लेते हैं, ये सारा चीज़ जानकर आप उस ब्रांड पर इन्वेस्ट कीजिएगा जो कि रिलायबल हो। यूजुअली मैं समझता हूँ कि स्पेशली लाइक वोल्टास और याद नहीं आ रहा है मुझे कौन सा ब्रांड है वो अभी, कैरियर आई थिंक सो, ये सारे चीज़ जो है वो वेरी मास प्रोडक्शन बनाते हैं ना, ढेर सारे मॉडल्स बनाते हैं, तो यहाँ का पार्ट वहाँ डाल दिया, वहाँ का यहाँ डाल दिया, और ज़्यादातर रिफर्बिश्ड, मतलब कि ऑलरेडी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया रहता है तो उसको ठीक करके नया करके भी बेचते हैं, तो ऐसे बहुत सारे केसेस है देखने को मिलता है। तो ऐसे ब्रांड से थोड़ा दूर रहना ही बेटर मैं समझता हूँ। LG सैमसंग ये जो स्टैंडर्ड बनाते हैं वो स्टैंडर्ड रहेगा, ऑफकोर्स टाटा के ब्रांड की ओर से अच्छा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम आता है मास प्रोडक्शन जो करते हैं ना, तो यहाँ वहाँ गफला हो जाता है। तो इसीलिए देखिए कि आपके लोकेशन में कौन सा सर्विस अच्छा है उस पर इन्वेस्ट कीजिए। देखिए पैनासोनिक ब्रांड बहुत ही अच्छे फीचर्स वैल्यू फॉर मनी ऑफर कर रहे हैं, ये कोई ब्रांड्स मुझे एफिलिएटेड नहीं है, मैं आपको रिसर्च करके बता रहा हूँ कि ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपको। ओके, ब्लू स्टार का भी अच्छा है, लॉयड एसिस अच्छा बनाते हैं एक्चुअली, ये लॉयड एंड कुछ ब्रांड्स है वो सारे एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनता है, बस नाम अलग अलग देखने को मिलता है आपको। तो वैसे एसिस भी आप ले सकते हैं क्योंकि आपको सर्विस अच्छा देगा, कॉम्पिटिटिव रहेगा, एंड उनको बेचना है प्रोडक्ट तो डेफिनेटली सर्विस देंगे वो। या और कुछ फीचर्स अगर मैं भूलता हूँ तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कुछ डाउट्स है तो। एंड इसके बाद पावर एफिशियंसी कैसे देखना है आपको, राइट, क्योंकि आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो करंट बिल कितना आएगा, वो सारी चीज़ आप इतना भी मत सोचिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने डिसाइड कर लिया है एसी लेना है आपको तो इतना लाइक सोचिए कि 3-4 मंथ्स आप एसी यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लेट से कि डेली आप अराउंड 3-4 आवर्स एसी यूज़ करते हैं घर में अराउंड 3 मंथ्स के लिए, तो आपका बिल मंथली लाइक 2-3,000 ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। 1.5 टन का है तो लेट से 3,000 रुपीज़ ज़्यादा हो सकता है, बस उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ ऑफकोर्स अगर आप 6-8 आवर्स या फिर कंटिन्यूसली डेली रन करते हैं तो थोड़ा 3-5,000 तक ज़्यादा आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको क्या करना है, मंथली इतना फिक्स्ड इसको एसी को रख देना है, एसी चलाना है, अच्छा कूलिंग चाहिए, आराम से नींद आ रहा है एसी से, तो आपको क्या करना है अराउंड 3-4,000 रुपीज़ उसके लिए महीना सेपरेट रख देना है। तो वैसे करेंगे तो आपको आसान हो जाएगा और नींद भी आराम से आपको करने को मिलेगा। ओके, तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है, और कुछ भूला तो नहीं। और एक चीज़, 5-स्टार इन्वर्टर, ये इन्वर्टर एसीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसमें आपको कुछ एसीज, फॉर एग्जांपल अगर आपका बजट हाई है तो डेफिनेटली आपको हॉट एंड कोल्ड दोनों भी आपको मिलेगा, तो वैसे वाला एसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हॉट एयर चाहिए तो वो भी आपको कर देगा। हॉट एंड कोल्ड एसीज फ्रॉम LG एंड सैमसंग आपको दे रहे हैं अराउंड 46
46,000 to 47,000 रुपीज़ में मिल रहा है 1.5 टन का 5 स्टार इन्वर्टर एसी, तो वो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर बजट का दिक्कत नहीं तो। तो स्लीप मोड भी आप डेफिनेटली चेक कीजिए अपने एसी में है कि नहीं, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा है, लेट्स से कि आप 10 बजे सो रहे हैं तो वहाँ पर एसी ऑन करके रखेंगे तो लेट्स से 19 डिग्री पर रखे है कूलिंग के लिए, तो ऑटोमेटिकली आवरली 1 डिग्री इंक्रीज़ होता जाएगा अप टू लाइक 24 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो वो क्या है, रात में 24 डिग्री ऑप्टिमम टेम्परेचर रूम का है ना, तो वो मेंटेन करके रखेगा, इससे पावर एफिशिएंसी भी आपको ज़्यादा मिलेगा एंड उससे करंट बिल थोड़ा कम ज़रूर आएगा, तो ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं भूल गया था कि 3-स्टार 5-स्टार इन्वर्टर इसमें क्या इतना फ़र्क होता है पावर बिल में, डेफिनेटली लाइक 20-30% एनर्जी सेविंग डेफिनेटली देखने को मिलेगा अगर आप 5-स्टार इन्वर्टर एसी ले रहे हैं तो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन बजट, क्योंकि 5-स्टार इन्वर्टर एसी का भी आपको इजीली लाइक 5-10,000 रुपीस डिफरेंस रहेगा 3-स्टार वर्सेस 5-स्टार इन्वर्टर एसी, तो बजट में कोई दिक्कत नहीं तो डेफिनेटली आप 5-स्टार इन्वर्टर एसी में इन्वेस्ट कीजिएगा। हाँ, 1.5 टन का 3-स्टार इन्वर्टर एसी लाइक 1 टन के प्राइस में आपको मिल रहा है, अच्छा एसी मिल रहा है, तो डेफिनेटली 1.5 टन 3-स्टार का आप ले सकते हैं, इतना भी करंट बिल या फिर पावर बिल का ही है, इतना भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। होपफुली आपको इस वीडियो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला होगा, सारा चीज़ जो है आई थिंक कवर किया हूँ। ब्रांड का ही दिक्कत आता है ना कि कौन सा चॉइस करें, तो मैं समझता हूँ LG, सैमसंग, लॉयड AC, पैनासोनिक का बहुत अच्छा निकाला है AC, स्पेशली इन 2023 वो ज़रूर देखिएगा आप। बाकी कोई भी ब्रांड हो, सर्विस इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस देना एंड स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी, ये दोनों चीज़ है उस ब्रांड का तो डेफिनेटली रिलायबल होगा ही, तो डेफिनेटली उस AC पर आप इन्वेस्ट कीजिए। डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूले, वहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन जो भी है मैं पर्सनल रिकमेंडेशन वहाँ डाल दूंगा, एफिलिएट लिंक है ऑब्वियसली, लेकिन आपको वही प्राइसिंग में मिलेगा, अच्छे प्राइसिंग में, तो आप जाकर वहाँ खरीदी कर सकते हैं। ऑफलाइन स्पेशली इन गिरियास, जो स्पेशली इफ यू आर इन साउथ, तो यहाँ पर ऑफलाइन गिरियास में ढेर सारे ऑफर्स देखने को मिलता है, तो वहाँ पर भी आप खरीदी कर सकते हैं, या फिर ऐसे ऑफलाइन बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पर अगर ऑफर चल रहा है अच्छा तो वहाँ पर आप ले सकते हैं ज़रूर। तो दोस्तों होपफुली सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल गया होगा, अभी आपको क्लियरली डिसाइड करने में ईजी हुआ होगा कि कौन सा AC जाकर आपको लेकर आना है। इफ़ यस तो डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे ढेर सारे हेल्पफुल वीडियोस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।